हे गुड मॉर्निंग फैमिली कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे मस्त होंगे स्वस्थ होंगे मैं हूँ गॉडसन रोहित तो और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गॉडसेंड क्रिकेट पे अब आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉटलैंड वर्सेस इंग्लैंड के ड्रीम इलेवन प्रोडिक्शन की एक तरफ है स्कॉटलैंड जो कि अच्छा परफॉर्मेंस करके यहाँ पे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है और एक प्रॉमिसिंग टीम है उभरती हुई टीम है अच्छी टीम है तो दूसरी तरफ है इंग्लैंड जो कि स्कॉटलैंड की तुलना में काफी ज्यादा टीम है है अब देखो ये सारी बातों को को तो आपने समझ लिया है। मैं दोनों की टीमों के ग्यारा -ग्यारा के 11 11 खिलाड़ियों बारे में एक एक चीजों को विस्तार पूर्वक अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि किन खिलाड़ी को किस वक्त यूज करना है किसको कब हटा देना है सारी चीजों को डिटेल में बाईस खिलाड़ी के बारे में बताऊंगा लेकिन पता है आपको इससे भी ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि हम बाईस खिलाड़ी के बारे में तो जान जाते हैं लेकिन यह समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे टीम जो बनानी है वो टीम किस प्रकार बनाएंगे तो टीम प्रकार किस प्रकार की बनानी है उसके लिए मैं आपको आपको समझाना चाहता हूं कि आपको और हमको हम सबको पता है कि इंग्लैंड जो है वो यहाँ पे फेवरेट है इंग्लैंड ज्यादा मजबूत है और हमको इंग्लैंड के फेवर में ही टीम को जो बनाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इंग्लैंड मैच जीतने जा रहा है लेकिन मसला एक बात का पता है क्या फंस जाता है मसला ये फंस जाता है कि ये जो पिच है वो कहीं ना कहीं बॉलर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है और हमने ये पिछले कुछ मैचेस के उदाहरण क्या देखे हैं कि हमने देखा कि जैसे आप वेस्ट इंडीज का मैच उठा लो वेस्ट इंडीज पीएनजी पी वाला मैच पीएनजी 135 रन मारा और वेस्ट इंडीज को वो रन बनाने में हालत खराब हो गई और यहां तक कल के मुकाबले को अगर देखा जाए तो श्रीलंका पचहत्तर सतहत्तर रन मारी और उस रन को भी बनाने में साउथ अफ्रीका की हालत क्या हो जाती है खराब हो जाती है इसके बाद नामीबी और ओमान का जो मैच है वो भी देख लो कितना लेस स्कोरिंग रहा कितने कांटे का मैच रहा और पूरे तरीके से जो डोमिनेशन रहा यानी दबदबा रहा वो गेंदबाजों का ही दबा रहा है दबदबा रहा है तो ऐसे में क्योंकि गेंदबाजों का दबदबा बहुत ज्यादा है तो हम मान तो रहे हैं कि इंग्लैंड फेवरेट है लेकिन क्योंकि गेंदबाजी का दबदबा है इस वजह से इस बात को बखूबी हमें समझना होगा कि कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड इस मैच में लड़ेगी बिल्कुल भी लड़ेगी मैं आपको लिख करके ऑन पेपर दे देता हूं कि ये मैच में आपको मजा आएगा भले ही इंग्लैंड यहां पर मैच जीत रही है लेकिन समझना इंग्लैंड के प्लेयर आपको ग्रैंड लीग नहीं जीताएंगे बल्कि ना भी सॉरी स्कॉटलैंड के जो प्लेयर होंगे वो आपको ग्रैंड लीग जिताएंगे वो तीन से चार प्लेयर वो कौन से प्लेयर होंगे ग्यारह में से जो छुपे हुए श्रोमणी और उन्हीं छुपे हुए शिरोमणियों को हमको

भले ही इंग्लैंड के फेवर में हम टीम बना रहे हैं और इंग्लैंड के फेवर में बनाएंगे लेकिन क्या ध्यान में रखते हुए बॉलर्स को ध्यान में रखते हुए क्योंकि बॉलर्स गेम पलट रहे हैं और बॉलर सी गेम बना भी रहे हैं बॉलर सी गेम लड़ा भी रहे हैं और मजा जो रोमांच ला रहे हैं वो बॉलर्स ही ला रहे हैं तो ऐसे में बॉलर्स का डोमिनेशन ज्यादा होगा और ध्यान देना हिंदुस्तानी हम लोग हिंदुस्तान की फितरत है हमारी फितरत है कि हम ड्रीम इलेवन पर जब भी टीम बनाते हैं तो ठीक है हम जो भी प्ले टीम बना लेते हैं बना लेते हैं लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो वहां पे बल्लेबाजों का जो प्रतिशत होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है किसकी तुलना में गेंदबाजी की तुलना में क्योंकि हमें यहाँ पर बैटिंग करना पसंद है यार इंडिया में बहुत बॉलिंग करना पसंद नहीं होता है तो हमारी मानसिकता है बैटिंग इसलिए परसेंटेज हाई किसका है बल्लेबाजों का लेकिन गेम कौन बनाएगा गेंदबाज तो ऐसे में गेंदबाजों में से ही कैप्टन वाइस कैप्टन बना देना कहीं से भी मूर्खता नहीं होगा मुझे लगता है कि समझदारी होगी और बोल सकते हो कि मास्टर स्ट्रोक होगा स्मार्ट डिसीजन होगा तो सारी बातों को डिटेल में समझेंगे अब कौन सा कैप्टन कैप्टन वाइस होगा होगा कार्ड ईच एंड एवरीथिंग हर एक चीज को हम डिटेल में बात करेंगे तो अभी तक यहाँ की बातें आपको लगी हो कि यार बहुत लॉजिकल बातें मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ तो बस वहीं पर सब्सक्राइब का बटन है सब्सक्राइब बट दबा देना और वहीं पर बेल आइकन है तो बेल आइकन को जरूर से हिट कर देना अब चलो डिटेल में सारी चीजों को हम समझते हैं ओके तो चलो वीडियो की स्टार्ट करते हैं और एक एक बातों को डिटेल में करते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि पिछला जो मुकाबला इस वेन्यू के ऊपर हुआ था वो ओमान वर्सेस नाबीबिया का हुआ था जहां पे एक पे ओमान रन पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है और नाबीबिया जब यहाँ पे आती है तो उस एक रन को बनाने में भी इनकी बड़ी हालत खराब होती है और लास्ट ओवर तक जाती है और इनफैक्ट लास्ट में जाकर के मैच क्या हो जाता है टाई हो जाता है और एक पे छह विकेट इनके पूरे गिर जाते हैं अब जरा विकेट का अगर हम देखें कि विकेट किस तरीके से गिरे थे तो अब देखो यहाँ पे

बहादुरी और समझदारी और ट्रिक पकड़ना क्या है कि इंग्लैंड अगर खेलती है तो इंग्लैंड का भी पावर प्ले के अंदर हो सकता है एक से दो विकेट गिर जाए और क्या पता कुछ उल्टा पुलटा ऐसा हो जाए तो शायद तीन विकेट भी गिर सकते हैं और अगर आपको ध्यान होगा तो इंग्लैंड के टॉप थ्री जो होंगे वो हाई परसेंटेज वाले होंगे तो ध्यान दो इसी में सीखना है जो हाई परसेंटेज के प्लेयर हैं उन्हीं को ड्रॉप करना है ताकि कॉम्पिटिशन क्या हो लोग बाहर हो जाए और हमारा कॉम्पिटिशन हो वो थोड़े ही लोग से क्योंकि हमें पता है ना कि अगर दो करोड़ से जीतना है अगर दो करोड़ जीतना है तो हमें कैलकुलेटेड रिस्क समझदारी से लेना होगा तो एक एक बातों को समझते चलना ठीक है विकेट देखो तो पेसर ने ग्यारह लिया स्पिनर ने पांच लिया यानी स्पिनर की तुलना में पेसर ज्यादा विकेट ले रहा है लगभग लगभग दो गुना ले रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि दो गुना ले रहा है तो सिर्फ पेसर को डाल दे हमें स्पिनर को भी डालना होगा क्वालिटी स्पिनर को डालना होगा क्योंकि यहाँ पे स्पिनर के लिए भी गेम है अब देखो समझो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ये क्या क्या मैं डिस्कस करूंगा जैकपॉट मैच है ये मैच जो है वो एक जैकपॉट मैच है इंग्लैंड यहाँ पे फेवरेट है आपको नाबीबिया जीताएगा फेवरेट कौन है इंग्लैंड है लेकिन आपको कौन जीताएगा नाबीबिया जीताएगा कैसे जीताएगा डिटेल में बात करेंगे बॉलर्स का खेल होगा जो कि मैंने शुरू में बता दिया आप लोगों को जो होगा पूरा पूरा बॉलर्स का ही खेल होगा और उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे लेस स्कोरिंग क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है कि लेस स्कोरिंग होने वाला है अगर नाबीबिया सॉरी स्कॉटलैंड अगर पहले खेलता है तो ऑब्वियस सी बात है कि लेस स्कोरिंग होने वाला है 115 20 25 या 30 यही वाला जैसे मैंने आप लोगों को पीएनजी वाला बताया था ना वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक बताया था मैंने कि 130 जाएगा, तो एक तो पैंतीस गया मतलब ऑलमोस्ट मैंने सही प्रडिक किया था तो इसका भी देखो तो ज्यादा रन नहीं जाएगा एक सौ पच्चीस के ही एक सौ पच्चीस के ही ब्रैकेट में हो रख लो ठीक है उससे ज्यादा नहीं होगा तो लो स्कोरिंग रहेगा लेकिन जब सेकंड इनिंग में आएगा इंग्लैंड तो क्या वाकई एक सौ पच्चीस को बनाने में उनकी खड़ी होगी या आसानी से चेस कर यही आपको जानना होगा ठीक है आगे बात करते हैं नाबीबिया बॉलिंग सेकंड लड़ेगा यही बात मेरे को बोलना था कि जब नाबीबिया सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगा यानी जब इंग्लैंड यहाँ पे चेस करने आएगा तो आप देखना लड़ेगा और आपको पता है ना हर वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के साथ ऐसा जरूर होता है भैया कि एक कमजोर टीम उलट फिर कर जाती है और दूसरी टीम कौन है साउथ अफ्रीका जहां पे करो या अमरो वाले मुकाबला आता है ना कि एकदम क्वालिफाई करने के लिए आज का मैच जीतना बहुत जरूरी है अफ्रीका के लिए उस मैच पे नजर रखा करो क्योंकि वैसे वाले मैच जो होती है वो साउथ अफ्रीका चोक कर जाती है जो कि उनको चोकर कहा जाता है मुझे वो सही नहीं लगता ऐसा वर्ड यूज नहीं करना चाहिए बट चोक कर जाती है और वो मैच हम इंतजार करेंगे क्योंकि वो भी मैच बहुत इंपॉर्टेंट होगा लेकिन आज का मैच भी बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि एक जैकपॉट मुकाबला है एकदम जैकपॉट मुकाबला है और देखो नाबीबिया सेकंड में लड़ेगी इस बात का ख्याल रखना अब लड़ेगी तो इसका मतलब क्या है? कि गेंदबाजों को पकड़ना होगा उस नामीबिया के गेंदबाजों को देखना होगा कि वो कौन से गेंदबाज है जो मैच को लड़ा सकते हैं और साथ ही साथ इंग्लैंड का वो कौन सा बल्लेबाज है जो इस लड़ाई में इंग्लैंड का, का भी विकेट गिर सकता है अगर बाकी टीमों स्ट्रगल कर रही है तो क्यों नहीं इंग्लैंड स्ट्रगल कर सकता है बिल्कुल इंग्लैंड भी स्ट्रगल कर सकता है तो सारी बातों को डिटेल में हम क्या करेंगे यहां पर डिस्कस करेंगे बची हुई चीजें रह जाएंगी तो हम कहा डिस्कस कर लेंगे शाम को जब मैं लाइव आऊंगा तो वहां डिस्कस कर लूंगा इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं चैनल पे पहली बार आओगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेना क्योंकि हो सकता है यूट्यूब पे लाइव आ जाओ और या फिर टेलीग्राम पे मैं ही लाइव आ जाओ तो कहीं भी आ सकता हूं दोनों जगह ज्वाइन कर लो जल्दी से ठीक है अब चलो ईच एंड एवरीथिंग हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि क्या होगा ओके चलो सबसे पहले देख लो जॉस बटलर जॉस बटलर का क्या सीन है यार आपको पता है जॉस बटलर आ, अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं आईपीएल में चल रहा था या तो शतक मार रहे थे या तो जल्दी आउट हो जाते थे तो देखो क्या है शुरुआत में यहाँ पे पेसर्स को बहुत मदद है मूवमेंट है तो ऐसे में ऐसे में एक तरफ है जॉस बटलर और दूसरी तरफ है फिलिप सॉल्ट ये दोनों ऊपर आने वाले फिलिप सॉल्ट जहाँ पे थोड़ा सा तेज खेलते हैं और जॉस बटलर जहाँ पे एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज हैं और सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं तो अगर मुझको एक पे दाव लगाना हो कि किस पे दाव लगाऊंगा तो मैं जॉस बटलर पर दाव लगा सकता हूँ और फिलिप सॉल्ट को थोड़ा सा मैं यहाँ पे ड्रॉप करते हुए चल सकता हूँ बिल्कुल देखो रखने को तो दोनों के रख सकते हो कोई इशू नहीं दोनों को रख लो एक टीम बनाओ दोनों को रख लो लेकिन अगर आप ये लेकिन ये वो डिसीजन है ना जो मैक्सिमम जनता ले रही है जैसे देखो जॉस बटलर को देखो तिरानवे परसेंट यानी एक करोड़ का तिरानवे परसेंट कितना हुआ तिरानवे लाख लोगों ने टीम में रखा हुआ है और फिलिप सॉल्ट को भी देखो एक करोड़ का पचासी यानी पचासी लाख यानी मैक्सिमम जो जनता है नब्बे लाख से पंचानबे लाख ऐसी जनता है जो दोनों को अपनी टीम में रख रही है और अगर दोनों चलते भी हैं तो भी तो भी क्या ही मिलेगा में नहीं मिलेगा मजा तो इसमें है कि दोनों के वाकई दोनों फ्लॉप हो जाए तो इसमें मजा है मजापिटिशन से इतने लोग बाहर हो जाएंगे पावर प्ले में अगर विकेट गिरता है तो ऐसे में रिस्क लेना बनता है अब रिस्क एक विकेट का लेते हैं रिस्क दो विकेट का लेते हैं रिस्क तीन विकेट का लेते हैं अलग अलग टीमों में हम अलग अलग तरीके से सोचेंगे ओके अब मैं बात करता हूं स्कॉटलैंड के इस बल्लेबाज की एम क्रॉस एम क्रॉस इनका विकेट कीपर है और राइट हैंड बल्लेबाज है रीसेंट फॉर्म अगर देखा जाए तो एक पैंतीस रन की, की पारी खेली है उनचास रन की पारी खेली है पैंतीस रन की फिर से पारी खेली है और एक तीस रन की पारी खेली है यानी रिसेंट फॉर्म देखो एम क्रॉस का तो एकदम बढ़िया है अगर स्कॉटलैंड की नजरिए से देखा जाए तो बहुत बढ़िया है और उससे भी अच्छी बात पता है क्या आपको ये देख लो एम क्रॉस जो आपको मिलते हैं ये पांचवें नंबर पे आते हैं यानी मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं और ये आपको मात्र 18 परसेंट में मिल रहा है समझो ये प्लेयर आपका ट्रम्प कार्ड प्लेयर है बातों को सीखो बारीकियों को जानो ये आता है पांचवें नंबर पे यानी मिडिल ऑर्डर अगर इनकी टीम ऊपर से लड़खड़ाती है तो मिडिल में किसी ने तो किसी ने संभालना है ना तो किसने संभालना है इसी ने संभालना है ये सबसे बड़ा कंटेंडर जो संभालेगा दूसरा पॉइंट रिसेंट फॉर्म जबरदस्त है तीसरा पॉइंट परसेंटेज ऑफ सलेक्शन देखो परसेंटेज ऑफ सलेक्शन इज जस्ट अट्ठारह सिर्फ 18 परसेंट यानी अगर एक करोड़ लोग खेलने तो एक करोड़ का मात्र 18 लाख लोगों ने इसको टीम में रखा हुआ है बाकी के बाकी देखो 82 लाख लोगों ने इसको टीम से बाहर कर दिया है यानी कहीं ना कहीं ये कंटेंडर है बिल्कुल अच्छा कंटेंडर है आपके ट्रम्प कार्ड का छुपा हुआ प्लेयर है इसको आप पकड़ सकते हो ठीक है सी ईयर नहीं खेलेंगे बैडिंग सेक्शन में आते हैं जॉनी बेस्टो देखो इंग्लैंड के प्लेयरों के बारे में आपको क्या ही बताओ सब तो जान ही रहो सामने कमजोर टीम है लेकिन ध्यान दो सामने कमजोर टीम है और अगर बल्लेबाजी की पिच आती तो ये इंग्लैंड वाले मार के धुआं कर देते हैं समझते हो इस बात को अगर कमजोर टीम के सामने बैटिंग पिच दे दो इंग्लैंड को तो मार के धुआं उड़ा देंगे लेकिन क्योंकि ये गेंदबाजी की पिच है तो ऐसे में धुआं धुआं धुआ इनका खुद का भी उड़ सकता है कितने भी अच्छे बल्लेबाज क्यों ना हो कितना भी अच्छा रिसेंट फॉर्म क्यों ना हो लेकिन अगर गेंदबाजी की पिच है तो कोई ना कोई बल्लेबाज जरूर ऐसा हो सकता है जो आज के मैच में अटक जाए इंग्लैंड की तरफ से और हर एक बल्लेबाज या ऐसा क्यों कोई ना कोई बल्लेबाज कोई भी बल्लेबाज अटक सकता है क्योंकि ये पिच कौन सी है बॉलिंग वाली पिच है ऐसे में हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए हमें कुछ बड़े खिलाड़ियों को मतलब हमें आउट करना ही होगा क्योंकि हम सबको पता है कि ड्रीम टीम जो बनती है उसका रिकॉर्ड रहा है इतिहास रहा है हिस्ट्री बोलती है कि ग्रैंड लीग वही जीतता है जो अपने टीम में सात खिलाड़ी ज़्यादातर है ना ज्यादातर सात खिलाड़ी हाई परसेंटेज के रखता है और तीन से चार प्लेयर लो परसेंटेज वालों को रखता है ग्रैंड लीग वही जीतता है ग्रैंड लीग वही जीतता है जो हाई परसेंटेज के बड़े खिलाड़ियों बड़े नाम वालों को दो तीन चार को ड्रॉप कर देता है वही जीतता है जो रिस्क लेता है वही जीतता है तो आप देख लो अगर आप रिस्क लेना है उस प्रकार से मैं आपको बताते चलता हूं कि ठीक है है जॉनी एक और नाम आता है, जो आप क्या कर सकते हो ड्रॉप करने की सूची में रख सकते हो कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल कंडीशन के हिसाब से आप ड्रॉप करने की सूची में रख सकते हो खास तौर से सेकंड इनिंग के अंदर ओके हालांकि जॉनी बेस्टो का आखिरी के आईपीएल के आखिरी में फॉर्म थोड़ा सा क्या था अच्छा हुआ था शुरुआत बहुत वाहियात हुई थी ओके अब आते हैं जी मुंशी जी मुंशी जो है ये स्कॉटलैंड के ओपनर है लेफ्ट हेंडर बल्लेबाज है काफी ज्यादा एग्रेसिव है और रिसेंट फॉर्म सात आठ इनिंग की बात करो तो उसमें एक इनिंग उन्होंने बहत्तर वाली खेली है

कैसे ही उम्मीद कर सकते हो और वो भी इंग्लैंड टीम के सामने इंग्लैंड जहां मिलेगा क्रिस जॉर्डन मिलेगा रेसी टोपली मिलेगा मतलब इस लेवल के गेंदबाज आदिल रशीद अली इस लेवल के गेंदबाज वहां पे मिलेंगे तो कहीं ना कहीं फिर तो ये लोग समझ रहे घेरे में तो आ जाते हैं क्योंकि गेंदबाजी पिछच पर हो रही है तो सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखते चलो जो जो बातें मैं बोल रहा हूँ मेरी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा करो स्किप मत किया करो यार स्किप करोगे तो मेरा कोई घाटा नहीं वो सब आपका घाटा है ठीक है आप एक एक बातों को सुनते चलो समझते चलो दिमाग लगाते चलो बैरिंगटन जो कि इनके कप्तान और सबसे पुरानी

कि शायद वर्ल्ड कप की वजह से हो सकता है यहाँ पे गेंदबाजी करने हालांकि पांच बॉलर इनके पास प्रॉपर हैं बट क्योंकि पुराने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं तो ये अपना हाथ मतलब होता है ना हाथ खोल सकते हैं अपनी भाषा में बोले तो हाथ खोल सकते हैं बैरिंगटन तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है बैटिंग से भी खासतौर से और बॉलिंग तो अगर कर दें तो मजा आ जाएगा तो बैरिंगटन एक दूसरे ही वो प्लेयर है जो आप कंसिडर करके चल सकते हो मान के चल सकते हो कि इनके सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है अब आते हैं विल जैक्स की तीसरे नंबर पे आते हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं तो ये हिट एंड मिस वाले हैं हिट

स्कॉटलैंड के दोनों ओपनर हैं वो लेफ्टी हैं तो ऐसे में लेफ्टी के सामने पावर प्ले के अंदर कौन आएगा मोइन अली इसलिए मोइन अली बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं ठीक है याद रखना ओके हैरी ब्रुक डाउन डी ऑर्डर अब हैरी ब्रुक का सीन समझना हैरी ब्रुक मिल रहे हैं आपको मात्र 7% में मुझे लगता है कि ये जो सात प्रतिशत लोग हैं जिनको लगता है कि यार हैरी ब्रुक आज करके जाएगा उनको मेरा सलाम है भाई क्यों क्यों मैं बताता हूं आप लोगों को समझाता हूं क्योंकि हेरी ब्रुक के बारे में लोग ये सोच रहे हैं कि डाउन डी ऑर्डर आता है और समझना बात को पिच जो है वो गेंदबाजों की कहीं ना कहीं बड़ी मदद कर रही है खेल बिगाड़ दे रही है बल्लेबाजों की चल नहीं पा रही है बल्लेबाजों की तूती बोल नहीं रही है तो ऐसे में विकेट्स गिर रहे हैं और नीचे वाला कोई ना कोई बल्लेबाज जरूर होगा जो आकर के पारी को संभाल सकता है अब चाहे वो मैच को खत्म करना हो सेकेंड इनिंग में या फिर पहले इनिंग में में अच्छी एक पारी फिनिशिंग फिनिशिंग वाला होता है ना फिनिशिंग टच देना दोनों 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 रोल तो दोनों रोल तो के लिहाज से नीचे आने वाला बल्लेबाज बड़ा हो जाएगा तो ऐसे में हैरी ब्रुक जो मात्र सात लाख लोगों ने देखा तिरानवे देखा ही नहीं है समझना रिस्क है बिल्कुल रिस्क है इस बात को मैं नहीं काटूंगा ना रिस्क है तीसरे नंबर पर हो सकता है कि मैक कलन आ जाए मैक कलन भी आ सकते हैं या फिर हो सकता है कि एम जोन्स, ये देख एम जोन्स ये ये देख रहे हो दोनों आ सकते हैं रिसेंट फॉर्म देखो तो दोनों का कुछ खास नहीं है तो आप क्या कर सकते हो निकाल के चल सकते हो निकाल के मतलब हटा के चल सकते हो अब समझना तो बात यही है ना यार स्कॉटलैंड का बल्लेबाजी उतनी स्ट्रांग है नहीं अगर स्ट्रांग है भी तो पहले इनिंग के ही अच्छा उनका रिकॉर्ड है पहले इनका रिकॉर्ड अच्छा है बल्लेबाज उतने अच्छे नहीं और है फॉर्म भी ऐसा नहीं कि शतक वतक मार करके बैठे हुए हैं जो थोड़ा ठीक ठाक होगा मैं उनको बता दूंगा पर गेंदबाजी की जो पिच है गेंदबाजी की मदद और सामने इंग्लैंड गे, वाली गेंदबाजी है तो वैसे भी आप मान के चल ही सकते हो कि ये टुक 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 वाला ही सीन चलेगा कम कम रन वाला ही चलेगा लेकिन ध्यान देना इसी कम रन वाले के बीच में ही हमें पकड़ना होगा प्लेयर वो तीन चार प्लेयर पकड़ना होगा जो हमारी ड्रीम टीम का हिस्सा हो जाए ठीक है मैं आपको बताते चल रहा हूँ डक तो नहीं खेलेंगे जोन्स का देखते हैं क्या होता है ओ ओ हेयर हेयर सॉरी हेयर्स अच्छा हेयर्स नाम मतलब बाल और बाल भी लंबे लंबे रखे इसने तो ओ हेयर्स जो है वो एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है रिसेंट फॉर्म देखो तो बहुत वाहियात है गंदा है बाहर करके चल सकते हो ठीक है yeah. मोइन अली मोइन अली क्या मैंने बोलता है ना राइट हंडर ऑफ स्पिन पॉवर पॉइंट फेंकेगा सामने कौन है लेफ्टी कौन कौन है जॉर्ज मुंसी और ओली हेयर्स ये दोनों के दोनों कौन थे लेफ्टी हैं ओपनर है तो ऐसे में कहीं ना कहीं मोइन अली शुरुआत में पावर प्ले फेंकेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है ध्यान से समझना नीचे आके बल्लेबाजी भी मिडिल ऑर्डर में आके बल्लेबाजी भी कर जाते हैं मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी की बड़ी आवश्यकता है पिच को ध्यान में रखते हुए ऐसे में मोइन अली आपके अच्छे कंटेंडर हो जाते हैं वाइस कैप्टन के समझना वाइस कैप्टन के मोइन अली आपको मिल रहा है कितने में सिक्सटी सेवन परसेंट में लेकिन इनका प्रतिशत अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन के पे अगर देखोगे तो वो आपको बहुत कम में मतलब बहुत सस्ते में आपको मिल जाएंगे मोइन अली तो ध्यान रखना सैम ना खेलें नीचे आते हैं एम लीस की बात करते हैं ठीक है क्या है एक है एक ऑलराउंडर की बात करते हैं और को देखो तो रिसेंट में इन्होंने अपने बैटिंग को सुधारा है शुरुआत में जब ये बैटिंग करते थे कुछ खास नहीं करते थे सस्ते में निपट जाते थे लेकिन अब रिसेंट में देखा जाए तो जा, इनकी बैटिंग इंप्रूव हुई है और साथ ही साथ ये राइट हैंडर बल्लेबाज भी है और ये ऑफ स्पिनर भी है हालांकि ऑफ स्पिनर का रोल यहां पे इंग्लैंड के खिलाफ कितना कारगर साबित होगा आ, ये तो चेक करना होगा बिकॉज सामने देखो तो इंग्लैंड में सिर्फ मोइन अली है जो लेफ्ट हैंडर है और कोई लेफ्ट ही यहाँ दिख नहीं रहा तो ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउट हो जाता है तो एक बल्लेबाज एक प्लेयर जिसका परसेंटेज काफी ज्यादा हाई है और उसको ड्रॉप करके चला जा सकता है तो वो मुझे दिखाई देता है एमलेक् हालांकि फाइनल डिसीजन नहीं है देखता हूं मैं लास्ट तक बताता हूँ बट फिलहाल के लिए अभी रिस्क को लेते हुए बाहर कर सकते हैं ठीक है living stone. Living stone भी देखो क्या है लिविंग स्टोन का आपको अच्छे तरीके से पता है कि लिविंग स्टोन के अंदर वो कला है ना कि वो ऑफ स्पिन भी फेंक सकता है लेग स्पिन भी फेंक सकता है और ये मोइन अली के बाद ऊपर नीचे कभी मोइन अली से ऊपर या मोइन अली से नीचे ही आते हैं तो ऐसे में लिविंग स्टोन बल्लेबाजी से भी आपको पॉइंट होता दिखाई दे सकता है और साथ ही साथ गेंदबाजी से भी स्पिन करता दिखाई देंगे तो ये एक तरीके से कह सकते हो कि सेफ खिलाड़ी और मिल कितने रहे हैं परसेंट में मिल रहे हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं लिविंग स्टोन भी तकदीर पलटने वाले प्लेयर हो सकते हैं आपने अक्सर देखा होगा कभी कभी लिविंग स्टोन गेंदबाजी आते हैं करने वो एक दो विकेट छटका जाते हैं मतलब उम्मीद नहीं रहती और दो दो विकेट ले लेते, कभी -कभी लेते हैं बल्लेबाजी है। तो पॉइंट तो बल तो बड़ा बढ़िया मिल जाएगा और देखो प्रतिशत कितना है मात्र सत्ताइस है और जब कैप्टन वाइस कैप्टन देखोगे तो और भी कम है यार, और भी कम तो ऐसे में ये रिस्की समझना मैं तीन प्रकार के कैप्टन वाइस कैप्टन बताता हूँ सेफ ट्रम्प रिस्की रिस्की तो ये वाइस कैप्टन मतलब होता है ना रिस्क लेना चाहते हैं कुछ लोग है ना मेरी जनता मेरे लोग, मेरे लोग अपने परिवार वाले बन जाता है। आगे बढ़ते हैं सी ग्रीव्स की बात कर रहे हैं सीम्स सी की अगर बात बनाए तो सी सॉरी क्रिस ग्रीव्स जो है एक लेफ्ट हैंडर स्पिनर है समझना लेफ्ट हैंडर ये स्पिनर है राइट हैंडर बल्लेबाजी करते हैं तो ऐसे में लेफ्ट हैंडर सॉरी लेफ्ट हैंडर स्पिनर नहीं लेग स्पिन सॉरी 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 क्रिस ग्रीव्स की अगर हम बात करेंगे तो राइट right हैंडर बल्लेबाज है और ये लेग स्पिन करते हैं अब देखो इंग्लैंड के सामने लेग स्पिन करना कहीं ना कहीं बड़ा कारगर साबित होता है बिल्कुल कारगर साबित होता है इंग्लैंड वाले थोड़ा बहुत परेशान होते हैं लेग स्पिन के सामने या फिर दूसरी भाषा में कह लो कि कोई लेफ्ट हैंडर है

नहीं उस प्रकार से खेल पाते जिस तरीके से एशिया की टीमें खेलती हैं तो ऐसे में यही कारण है कि इनका परसेंटेज हाई हो गया क्योंकि मान के चल रहे हैं जनता पचहत्तर परसेंट जनता मान के चल रही है कि आदिल रशीद जो कि इनके इंग्लैंड के सबसे बेहतरीन स्पिनर है ये आज तीन चार विकेट या दो तीन विकेट चटका के लेके जा सकते हैं और मुझे भी कहीं कही ना कहीं ऐसा लगता है कि आदिल रशीद में वो क्वालिटी है कि आज के मैच में दो से तीन विकेट चटका के लेके जा सकते हैं अब वो इनिंग कोई भी हो फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है हाँ अगर अगर सेकंड इनिंग मिलती है तो और भी ज्यादा चांसेस है कि विकेट ये लेकर के जा सकते हैं ठीक है शरीफ की बात करेंगे नाम इनका शरीफ स्कॉटलैंड की तरफ से खेल रहे हैं अब ध्यान देना अगर शरीफ की हम बात करें

मैं फाइनल डिसीजन के बारे में दूंगा लेकिन शरीफ को मैं स्टैंड बाई पर अभी डाल देता हूं क्योंकि रिसेंट फॉर्म इनका अच्छा नहीं है जोफ्रा आर्चर समझना मैंने आपको क्या बताया था वेस्टइंडीज और पीएनजी का मुकाबला आया था तो मैंने आपको उसके बारे में क्या बताया था अलजारी जोसफ याद है अलजारी चेहरे पर डरवा डरवा के विकेट लेगा क्योंकि उसके ले पास पेस पड़ी हुई है अलजारी जोसफ आपने देखा ना कि वो विकेट लेकर के गया तीन विकेट शायद लेके गया था गेंदबाजी भी अच्छी उसने की उसी तरीके से जोफ्रा आर्चर है ये डरवाएगा धमकाएगा घूरेगा परेशान करेगा बाउंसर मारेगा खौफ डालेगा और इस तरीके से वो विकेट लेके जाएगा और यही कारण है कि मैक्सिमम जनता समझदार है और चलाकी दिखा रही है समझ रही है इस बात को और यही कारण है कि देखो सेवेंटी परसेंट लोगों ने टीम में अपने रखा हुआ है चेक करेंगे वाइस कैप्टन के तौर पे कितना प्रतिशत है तो जोफ्रा आर्चर एक अच्छा कंटेंडर है आपके वाइस कैप्टन का ओके

कि बॉलिंग की मददगार पिच है तो ऐसे में बैट्समैन लड़खड़ाएंगे बॉलर चलेंगे तो ये तो एक तो बॉलर है बॉलिंग से विकेट निकालेंगे प्लस ये बैटिंग भी नीचे आके कर रहे हैं क्योंकि ये बॉलर है नीचे ही खेलेंगे ना तो ये रन भी बना के ले जाएंगे तो ऐसे में बल्लेबाजों की तुलना में मतलब स्कॉटलैंड के बल्लेबाजों की तुलना में वो प्लेयर जो गेंदबाजी के साथ साथ आपको बल्लेबाजी से भी रन दे देता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे वो तो ध्यान देना उन प्लेयर पर एक एक पॉइंट को सिखाते चल रहा हूं एम वॉट की बात करें यानी मार्क वॉट की बात करें तो ये लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है और मैंने आपको बताया था ना कि अगर राइट हैंडर लेग स्पिनर है या फिर लेफ्ट ऑफ स्पिनर है इंग्लैंड के सामने मसला है तो ऐसे में मार्क वॉट ये वो प्लेयर है जो शायद स्कॉटलैंड के लिए उसकी तकदीर को बदलने में जी जान लगा सकता है समझ लो जी जान लगाएगा उसकी तकदीर तकदीर पलटना मतलब क्या कि स्कॉटलैंड को मैच जिताने में उलटफेर करने में ठीक है अब मार्क वुड यहाँ पे खेलते हैं या फिर रिसी टॉपले खेलते हैं वी विल फाइंड आउट मार्क वुड खेलते हैं तो आपको पता है विकेट इनका फिक्स होगा क्योंकि ये पेस और प्लस ये बाउंसर मार वार के विकेट लेंगे हालांकि स्कॉटलैंड वाले तो पेस खेलते हैं उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ऐसे है मुझे लगता है कि ऋषि टॉपले ये वो प्लेयर होंगे जो शायद उनकी जगह पर खेलेंगे और पावर प्ले में आगे स्विंग गेंदबाजी करके और स्विंग के दम पर वो विकेट चढ़काना चाहेंगे तो देखते हैं वुड खेलते हैं कि कौन खेलता है फाइंड आउट क्रिश जॉर्डन की बात करोगे तो ये वो प्लेयर है कि कभी कभी लोग इन पर उतना भरोसा जताते नहीं है लेकिन ये बहुत ही डिसेंट प्लेयर है ये गेंदबाजी नहीं बल्कि बल्लेबाजी से भी डिसेंट प्लेयर है ये जो लीग खेलता है दुनिया में ऐसी कोई भी लीग नहीं जहाँ क्रिश जॉर्डन जाके ना खेलते मैक्सिमम लीग्स में क्रिश जॉर्डन जाके खेलते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी के जितने भी लीग्स होते हैं ऐसे में ये बहुत ही अनुभवी प्लेयर है बहुत अनुभवी प्लेयर है और ऐसे में क्रिश जॉर्डन को आप पहले इनिंग के लिए बिल्कुल कंसिडर करके चल सकते हो कम प्रतिशत में मिलना है मात्र ट्वेंटी पॉइंट सेवन फाइव परसेंट में आपको मिल रहा है रिसी टॉपली पावर प्ले का अच्छा गेंदबाज है और विकेट भी चटका के जाता है ठीक है और ये आपका कंटेंडर बन जाता है वाइस कैप्टन का बिल्कुल बन जाता है मैंने शुरू में ही अगर वीडियो को आपने बिना स्किप किए देखा होगा तो मैंने शुरू में जो बातें बोली थी बॉलर्स पे बॉलर्स का कैप्टन वाइस कैप्टन पे वो अगर आपको इस सुना सुनाई दिया होगा समझ में आया होगा देखा होगा आपने तो फिर आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा अब आते हैं बी करी के ऊपर अब बी करी को देखो तो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है बी करी मतलब ब्रैड करी ये पावर प्ले और डेथ में दोनों गेंदबाजी करते हैं लेफ्ट हैंडर मीडियम फास्ट है अब लेफ्ट हैंडर वाले जो गेंदबाज है उनके ऊपर नजर रखे रहना मैंने हमेशा बोला हुआ है जैसे

जो मात्र चार प्रतिशत लोगों ने अपनी टीम में रखा हुआ है लेकिन अगर आप मान के चलते तो स्कॉटलैंड लड़ेगा और मैच लड़ाएगा और शायद हो सकता है कि फंसाएगा खासतौर से के अंदर तो ब्रैड करी का रोल सबसे बड़ा होगा इस बात को ऊंचे आवाज बोल रहा हूं सबसे बड़ा हो सकता है कौन ब्रैट करी लेफ्ट हैंडर ओके अब चलो बात करते हैं करी के हो गई डब्लू व्हील आई डोंट नो खेलेंगे नहीं खेलेंगे बट अगर डब्लू वील खेलते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं पिछले पांच मैच की अगर बात करूं तो पिछले पांच मैच में एक इनिंग ऐसी रही है जिसमें इन्होंने दो एक विकेट लिया है एक इनिंग ऐसी रही जिसमें दो विकेट लिया है एक इनिंग ऐसी रही जिसमें चार विकेट लिया और एक इनिंग ऐसी रही जिसमें पांच विकेट भी लिया है तो ऐसे में देखो खेलते कि नहीं खेलते हैं व्हील ये तो हम देखेंगे क्या होता है बट व्हील अगर खेलते हैं तो मजा आएगा है ना मजा आएगा देखते हैं कौन खेलता है कौन नहीं खेलता है अब नेक्स्ट जो बल्लेबाज आते हैं वो कौन सॉरी गेंदबाज जो आते हैं वो कौन आते हैं सी सोल क्रिस सोल है ना क्रिस सोल को देखो तो ये एक राइट हैंडर फास्ट मीडियम गेंदबाज है रिसेंट में अगर बात की जाए विकेट के मामले में तीन विकेट तीन विकेट एक विकेट दो विकेट जीरो विकेट यानी अगर पिछले पांच मुकाबले को देखो तो तीन तीन छ सात आठ नौ यानी नौ विकेट पांच मुकाबले में इसने विकेट विकेट लिया है यानी टेकिंग ये गेंदबाज और मिलता कितने में यार छ में समझो एक बात को बड़े प्यार से समझो स्कॉटलैंड के जितने गेंदबाज आपको दिख रहे हैं ये सबके सब सस्ते रेट में मिल रहे हैं सबके सब सस्ते रेट में मिल रहे हैं और तकदीर आपकी जो पलटेगा वो गेंदबाज पलटेंगे मैंने आपको सुरम बताया गेंदबाज पलटेंगे गेंदबाज पलटेंगे तो आप तो इंग्लैंड के गेंदबाज को बिल्कुल लेके चलोगे, ले चलोगे लेकिन मदद मिल रही है हम स्कॉटलैंड के गेंदबाजों पे भी खेलेंगे क्योंकि हमने अगर एक दो गेंदबाज ऐसा पकड़ लिया जो स्कॉटलैंड से पकड़ दिया और अपने टीम में डाल दिया और स्कॉटलैंड के जितने भी गेंदबाज देख लो ना यार खुद देखो ना यार क्रिस को देख लो व्हील को देख लो कितना परसेंट है छह परसेंट ये देखो ढाई परसेंट करी को देखो चार परसेंट और, और और, कौन है एम वॉड को देख लो कितना परसेंट कितने कम परसेंट में आपको मिलना है बहुत कम कम परसेंट मिलना है तो अगर हमने दो गेंदबाजों को परिस्थितियों के हिसाब से अपने टीम में डाल दिया और हम लोग का ये जो डिसीजन हमने जो लिया ना जो दाव खेला है दाव एकदम नहले पे दहला पड़ गया तो समझ जाओ कि हमारी रैंकिंग ऊपर चली जाएगी मतलब ग्रैंडिंग एक तरफा कल मैंने आप लोग को क्या बताया था एंड

तो कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ है कि आपको ये रैंकिंग में ऊंचाइयों पे लेकर ना जाए और देखो उसने चार विकेट उखाड़ा है मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा एक बार जाकर टेलीग्राम पे आप उस वीडियो को शॉर्ट वीडियो को देख लेना मैंने नोकिया के बारे में क्या बोला था एक तरफा मैंने बात बोली थी जबरदस्त बात बोली थी और जैसा बोला था वैसा ही नोकिया के बारे में हुआ था अब सारी बातों को मैंने डिटेल में समझा दिया ना गेंदबाजों की भूमिका को ध्यान रखते हुए मैंने आपको एक एक पॉइंट को बड़ी बखूबी से समझा दिया कि क्या क्या चीजें हो सकती है अब देखो अगर पिच पलट देते हैं ये लोग बैटिंग पिच पलट देते हैं तब जो भी मैंने अब तक बोला ना गेंदबाजों को ध्यान में रखते हुए वो थोड़ा सा अब हम बल्लेबाजों की तरफ बायस हो जाएंगे बायस मतलब उनके पक्ष में सोचना चालू कर देंगे लेकिन क्योंकि अभी पिच के जो हालात चल रहे हैं जिस तरीके से देखने को मैच अभी मिल रहा है उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते ही हुए मैंने इस वीडियो को बनाया और आपको समझाया लेकिन लास्ट जो पिच की रिपोर्ट होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि यार पिच की रिपोर्ट बोलती क्या है कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पिच पिच इन्होंने पलट दिया हो क्योंकि देखो सारी जगह चाहे अमेरिका में हो रहा हो सॉरी यूएस वही अमेरिका ही बात है यूएसए में हो रहा हो या फिर वेस्ट इंडीज़ में हो रहा हो आपने देखा है कि सिर्फ गेंदबाजों का दबदबा चल रहा है ऐसे में हो सकता है आई कह दे कि यार तुम लोग क्या कर रहे भाई बल्लेबाजी की पिच बना थोड़ा रन रन बने वहाँ पर ऐसे में अगर कुछ ऐसी बात हो जाती है तो मे भी हो सकता है कि अगर बल्लेबाजी पिच बन जाए तो फाइनल रिपोर्ट जो होगी वो हम फाइनल टीम जो होगी वो पिच रिपोर्ट के हिसाब से बनाएंगे इसलिए आपकी बड़ी जरूरत मतलब आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप पिच की रिपोर्ट और पिच की रिपोर्ट के हिसाब से टीम को क्या बनाना है और फिर उसके हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन को बनाना है यह सीखना और जानना आपके लिए बड़ा हो जाता है जरूरी हो जाता है और इसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा मेरा टेलीग्राम तो टेलीग्राम जल्दी से ज्वाइन कर लो क्योंकि वहां रिपोर्ट जो इंग्लिश में आती है हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं और एक एक बातें मैं वहां पर बड़ा डिटेल में अच्छे से समझा देता हूं फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी हालांकि मैक्सिमम चीजें मैंने यहाँ पर बता दिया अब ध्यान देना हो सकता है कि मैं यूट्यूब पर ही लाइव आ जाऊँ शाम को या फिर हो सकता है कि टेलीग्राम पर लाइव आ जाऊँ इसलिए बड़ा जरूरी है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम के लिंक डाली है इसी इसी लिंक से ज्वाइन करना और कहीं से मत करना मेरे नाम के बहुत फेक चैनल बने वो पैसे मांगते हैं मैं कोई भी पैसे वैसे की डिमांड नहीं करता हूं बार बार बोल रहा हूं ठीक है कहीं भी अगर आप

फिर बाद में हम ड्रॉप कर देंगे डोंट वरी हम ड्रॉप कर देंगे अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी हमें तो ऑलराउंडर सेक्शन में आएंगे अली करोल मुझे लगता है कि अली करोल अच्छा होगा बिल्कुल अच्छा होगा और एम लिस्क इम्प्रूव तो हुआ है लेकिन आगे बढ़ते गेंदबाजी का दबदबा चल रहा है तो यहाँ से आर्चर रशीद ओके आर्चर रशीद यहाँ से हम उठाएँगे व्हील को उठाएँगे यहाँ से उठाएँगे करी को उठाएँगे तो जाओ एक सेकंड में एक सेकंड में देखता हूँ वो कौन सा है यस लेफ्ट आम फास्ट मीडियम लेफ्ट फास्ट मीडियम का रोल यहाँ पे बड़ा ज़्यादा है इसलिए मैं यहाँ पे इसको उठा सकता हूँ यहाँ पे ठीक है और चार गेंदबाज हुआ और ऑलराउंडर सेक्शन में आओ ऑलराउंडर सेक्शन में आ करके हम क्या कर सकते हैं एम को उठा ले या ग्रीव्स को उठा ले किसको उठाएं बताओ एक को उठाना ही पड़ेगा एक पे तो हमें खेलना पड़ेगा हम ग्रीव्स को यहाँ से अगर उठाते हैं तो एक बल्लेबाज स्कॉटलैंड के तो ज़्यादा हो जाएंगे ना तो हमें यहाँ से मुंशी उठाना पड़ेगा बिल्कुल हमें हटाना पड़ेगा शुरू में दिक्कत है हमको लगता है बैलिटन पुराना चावल है लेकर के हम चलेंगे उसको ये क्या हुआ पाँच पाँच हुआ है ना अब एक बल्लेबाज और बढ़ा देंगे किसके एक ऑलराउंडर बढ़ाते हैं लिविंग स्टोन लिविंग स्टोन बढ़ा देंगे या फिर बैटिंग से लिविंग स्टोन की जगह हम क्या कर सकते हैं बैटिंग सेक्शन में आ करके हम विल जैक्स को भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि बैटिंग बॉलिंग वो कभी कभी दोनों देता है हालांकि बॉलिंग का फिक्स नहीं बट बैटिंग कर दे देता है तो फिलहाल छः पाँच का ये बन रहा है एम क्रॉस आपको लग रहा हो पाँच क्यों हो सकता है मैं देखता हूँ ड्रॉप कर लेता हूँ ठीक है डोंट वरी एम क्रॉस को यहाँ पे लिया हुआ मैंने बैटिंग भूमिका अच्छी है विकेट कीपर है फॉर्म अच्छा चल रहा है बैरिंगटन का सबसे पुराना चावल है उसके बाद सी ग्रिफ जो कि ऑलराउंडर की, की भूमिका फिर वील और सोल वील और सोल में से क्या कर सकते हैं एक को ड्रॉप कर सकते हैं ना बिल्कुल आप एक को ड्रॉप कर सकते हो किसी को भी कर लो ना आपका मर्जी सी चलो सोल मुझे लगता है चांसेस कम है शायद खेलने के ऐसे में आपका ये होता है और इंग्लैंड का देखो कितने बॉलर है एक बॉलर दो बॉलर तीन बॉलर एक इंग्लैंड के बॉलर को बढ़ाओ और एक इंग्लैंड के बॉलर को बढ़ाते हुए आप किसको डाल सकते हो रिसी टॉपले या फिर जॉर्डन जो भी खेलेगा आप एक को बढ़ा सकते हो मैं बता देता हूँ किसको बढ़ा लो चलो टोपली ले को पाप में विकट लेगा ना चलो इसको बढ़ा लो ये कर लो अली हो गया आपका काशिद हो गया जोफ्राश हो गया टोपली तो हो गया ये खत्म कर देंगे पूरा मिलकर खत्म कर देंगे फिर यही दोनों जब खत्म कर देंगे तो यही दोनों मैक्सिमम चेस कर लेंगे उसके बाद विल जैक्स भी आकर के थोड़े बहुत जो रन बनेगा बचेगा वो चेस कर लेगा और जरूरत पड़ेगी तो मोइन अली भी खेलेगा उनकी तरफ से चार प्लेयर मैंने ये लेकर के मैं चल रहा हूँ अब मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रहा है तो भूमिका किसकी ज्यादा हो सकती है आप तो या तो बैटिंग से बनाना तो ऊपर से बना सकते हो या फिर मैं आपको शुरू में जो बता दिया गेंदबाजी भी खेल सकते हो तो गेंदबाजों पर ही आप खेल सकते हो बिल्कुल खेल सकते हो यार अगर आप देखोगे कैप्टन वाइस कैप्टन के बजार चेक कर लो ये देखो नीचे आता हूं, मैं सीधे ये देख रहा जोफ्रा आर्चर देखो पांच परसेंट में मिल रहा है। आदिल रशीद को देखो तीन परसेंट में कैप्टन मिल रहा है और साढ़े पांच परसेंट में वाइस कैप्टन मिल रहा है देख कितने कम में मिल रहे हैं मोइन अली को देखो तीन परसेंट चार परसेंट ये बहुत कम में मिल रहे हैं बहुत ही कम में मिल रहे हैं ऐसे में आप इनके ऊपर खेल सकता हूँ जरा बटलर को देख लो सैंतीस परसेंट पीस आउट को देख लो साढ़े सोलह परसेंट ये देखो कितने ज्यादा ज्यादा मिल रहे हैं तो आप इस तरीके खेल सकते हो कि आप या तो एक सेफ पकड़ लो और उसके साथ एक बॉलर को पकड़ लो या तो दोनों दोनों बॉलर पकड़ लो ये क्या हो जाएगा ट्रंप वाला और या तो रिस्क वाला पकड़ना है तो एक आप क्या कर लो एक इंग्लैंड का बॉलर पकड़ लो और एक स्कॉटलैंड का प्लेयर पकड़ लो ये हो जाएगा रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन इस तरीके से तो आपको पता है कि एक, एक चीज मैं डिटेल में समझाता हूँ जो बातें बची रह जाएंगी वो किदम डिस्कस कर लेंगे फाइनल डिस्कस कर लेंगे जब मैं शाम को आऊंगा ठीक है तो अपना कॉपी पेन पेपर लेकर तैयार रहना अपने सवालों को लेकर के तैयार रहना और एकदम अच्छे से तो चलो ऊपर वाले का नाम लेते हुए अब हम क्या करते हैं कि अब इस वीडियो को खत्म करते हैं और विश्वास करते हैं कि आज के दिन हमारा दिन जरूर होगा और आज के दिन में हमारी तकदीर क्या हो जाएगी पलट सकती है और विश्वास हौसला हिम्मत उम्मीद हमेशा रखना चाहिए नया दिन है नया सवेरा है हौसला उम्मीद को हमेशा रखे रहना ठीक है तो चलो आज की वीडियो की अब यहीं पर अंत करते हैं अपना प्यार सपोर्ट बनाए रहना लाइक जरूर से कर देना वीडियो कैसी लगी यार कॉमेंट करके जरूर बताया करो मतलब जो भी आपकी फीडबैक आपकी राय ओपिनियन होती है कॉमेंट करके बता दिया करो कि आपकी ओपिनियन क्या है और आपके जो भी सवाल है यहां कॉमेंट कर दो क्योंकि अभी कॉमेंट कर दोगे तो शाम को जब मैं आऊंगा तो आपके सवाल का जवाब लेकर के तैयार तो कम से कम रहूंगा तो प्लीज यहाँ यहां कर दो ठीक है और कमेंट करके ये भी बताओ कि वीडियो कैसी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना टेलीग्राम से जुड़ जाना अपना प्यार सपोर्ट बनाए रहना गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक यू